तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है, तो होप यार आप सभी लोग जो है काफ़ी एक्साइटेड होंगे। 2022 की ब्रीजा के अंदर आज हम जो है भाई एक्सेसरीज लगाने वाले हैं थोड़ी बहुत। वैसे तो भाई देखोगे ये हमारा बिल्कुल टॉप वेरियंट होने वाला है, लेकिन मैं आपको जो बेस वेरियंट के अंदर एक्सेसरीज मिलती है उनके बारे में भी बताऊँगा, कैसे आप जो है अपनी कार को बिल्कुल बेस से टॉप बना सकते हो। जो भी एक्सेसरीज अवेलेबल होते हैं बेस से टॉप के लिए, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो भाई इस कार के अंदर जो है हम अभी एम्बेड लाइट इंस्टॉल कर रहे हैं। तो भैया हमारे कितने पीस वाली एम्बेड लाइट होने वाली है? ये 9 पीस वाली गाइस इसके अंदर हम लाइट इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे भाई चारों गत्तों में अभी लाइट लगेगी, एंड जो नीचे फुटवेल होता है भाई यहाँ पे भी लाइट जो है इसके अंदर हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो अभी देखो कि भाई डैशबोर्ड के अंदर अभी फटाफट से भाई ने इंस्टॉल करी है, काफ़ी मतलब आराम से करा है, एंड जो इसकी लाइटिंग की गाइस क्वालिटी होने वाली है वो काफ़ी अच्छी करने वाली है। भैया ये हमारी कार्डी की होने वाली है, कार्डी तो भाई ये कार्डी की 9 पीस वाली एम्बेड लाइट इसके अंदर अभी हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद बताओ तो भाई कार के अंदर हमने सीट कवर्स भी इंस्टॉल करे हैं, तो सीट कवर्स आप देख सकते हो भाई यहाँ पे फुली अपने लेदर हो रही है। सीट कवर भी आप चेकआउट कर सकते हो भाई, फुली यहाँ पे लेदर इसके अंदर हमने ऐड करी है, तो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं भाई, एंड कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है बिल्कुल बकेट फिटिंग के साथ भाई इसके अंदर हमने ऐड करी है। बाकी अगर आप देखोगे तो भाई इसके अंदर हमको हमारा यहाँ पे आर्म रेस्ट है ये भी मिल जाएगा, तो इसके अंदर ही भाई हमने करा हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हो भाई, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। तो अगर आपके पास बेस वेरिएंट है तो भाई सेम सीट कवर्स विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड आर्मरेस्ट दोनों का हमारे पास अवेलेबल है, वो आप लगवा सकते हो। बाकी देखो कि इस कार के अंदर भाई आपको कुछ ये वाले अलॉयज ही मिलते हैं। अगर आपके पास बेस वेरिएंट है तो भाई हम टॉप वेरिएंट जैसे ZX i+ में मशीन अलॉय मिल जाते हैं, वो इसके अंदर हम लगा सकते हैं। ऑटोमेटिक ओवरगेम्स भी कैसे हम इंस्टॉल कर देंगे। बाकी रिक्वेस्ट कैसे हमारा बेस वेरिएंट आता है ब्रीजा के अंदर, ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि बेस वेरिएंट से ही हमको जो है इसके अंदर हमारा ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, तो ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छा करा है। बाकी अगर आपके पास बेस वेरिएंट है तो उसका आप ये ट्रिम चेकआउट कर सकते हो ऑटोमेटिक ओवरव्यू वाला, तो भाई ये भी जो है हम बेस वेरिएंट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं बिल्कुल टाइप ओरिजिनल। एंड जो है ये देखो कि फैब्रिक सा है, ये भी गाइस हम इंस्टॉल जो है कर सकते हैं अगर आपके पास बेस वेरिएंट है। फ्रंट से अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो कार के अंदर गाइस हमने LED लाइट इंस्टॉल करी है। देखो भाई टॉप वेरिएंट है, लाइट्स इसके अंदर हमको जो पहले से मिलते हैं वो LED मिलती है, लेकिन भाई कस्टमर को जो चाहिए थी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लाइट चाहिए थी, तो हमने इसके अंदर भाई हमारी लाइटिंग को भी अपग्रेड करा है। लाइटिंग में अभी आपको आगे बताता हूँ हमने कौन सी लगाई है। फ्रंट से आप पूरी लुक देखोगे, अगर आपके पास बेस वेरिएंट है तो भाई पूरी ग्रिल भी करा, नीचे स्किड प्लेट्स, ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। साथ ही में जो ZX i+ में 360° कैमरा आता है जिसकी भाई फिटिंग हमारी इधर होती है नीचे की तरफ, ये भी हमको जो है अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आपको मैं इसकी एक बार लाइटिंग अगर थ्रो दिखाता हूँ तो लाइटिंग आप चेकआउट कर सकते हो भाई, ये कहीं हमारी फॉग की होने वाली है, एंड ये भाई हमारी होने वाली है लो बीम, तो भाई आप चेकआउट कर सकते हो जो थ्रो आ रहा है वो काफ़ी बढ़िया आ रहा है। बाकी अगर आप देखोगे भाई हाई बीम पे कुछ ऐसा सा थ्रो हमको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया हमको जो इसके अंदर देखने को मिल जाता है। पूरा देखो कि काफ़ी ब्राइटर होने वाला है। जो स्टॉक आती थी भाई कस्टमर उससे इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन भाई इसके बाद जो कस्टमर इज फुली सेटिस्फाइड। अगर आप मैं फ्रंट से भी गाइस चेक कराता हूँ उसका थ्रो, तो आप देखो कि भाई जो थ्रो आ रहा है वो काफ़ी बढ़िया इसके अंदर हमको देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट से भाई पूरी LED कर दी है इसके अंदर, स्टॉक में LED आती थी लेकिन भाई अपग्रेड कर रहे हैं हमने LED को, तो वो भी आप चेकआउट जो है कर सकते हैं। एंड इसके अंदर गाइस हम जो एम्बेड लाइट इंस्टॉल कर रहे हैं वो गाइस हमारी फ़ोन कंट्रोल होने वाली है, तो वो भी काफ़ी अच्छा फीचर है। एंड अगर आप देखो सीट कवर से फ्रंट के, तो भाई सीट के फ्रंट कवर आप देख सकते हो भाई काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, जो पैटर्न है गाइस वो भी इसके अंदर हमने काफ़ी बढ़िया एकदम OEM टाइप फिनिशिंग के अंदर इसके अंदर हमने ऐड करा है। तो ये कुछ एक्सेसरीज थी जो इसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे। बाकी अगर आपके पास बेस वेरिएंट है तो हम सीट कवर्स, जो हमारा ओरिजिनल आर्मरेस्ट आता है गाइस, वो एंड सारे फीचर जो है वो इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। ओरिजिनल रूफ रेल्स भी हमको मिल जाएंगी। रियर से अगर हम बात करें तो भाई कार के कुछ लुक जो है इस तरीके से आने वाली है, वाइट कलर होने वाली है, LED टेल लैंप्स जो कि हमको स्टॉक मिलती है बेस वेरिएंट से वो अवेलेबल है। बाकी नीचे के रिफ्लेक्टर भी हमारे पास अवेलेबल है भाई, वो अगर आपको चाहिए तो वो भी हमारे पास मिल जाएंगे। कार का जितना भी काम हो रहा है वो हो रहा है स्काई कार पे, शॉप की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर भी फ्लैश हो रहा होगा, वो भी आप जो है चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद भाई इसके अंदर हमने हमारे डोर वाइजर भी लगाए जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं अगर आप देखते हो। एंड भाई फाइनली जो है यहाँ पर हमारी एम्बियंस लाइट जो है भाई यहाँ पे चालू हो चुकी है, तो भाई अगर आप देखोगे MS लाइट का थ्रो वो भी काफ़ी अच्छा आने वाला है, तो मतलब सारे तरह भाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाला है, एंड भाई काफ़ी अच्छी है हमारी लाइट जो है इसके अंदर हमको देखने को मिल जाती है। नीचे की अगर आप देखोगे तो नीचे की भाई हमको SEC मिलने वाली है, एंड भाई डैशबोर्ड की अगर आप देखते हो डैशबोर्ड की जो लाइटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी इसके अंदर हमको देखने को मिल जाती है। भाई बेस वेरियंट के अंदर है, चाहे बेस वेरियंट हो चाहे टॉप वेरियंट हो, ये लाइट लगवाने से भाई आपकी जो कार की लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसके अंदर हमको देखने को मिल जाती है। एंड प्लस गाइस अगर बेस वेरिएंट है तो भाई हमारे पास जो इसका OEM वाला फ्रेम भी अवेलेबल है, जो कि पियानो ब्लैक फिनिशिंग में, वुडन फिनिशिंग में, ये दोनों में अवेलेबल है।
एंड ये वाला तो भाई हमें स्टॉक होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था भाई हमारी फोन कंट्रोल होती है, तो भाई ये इसका स्कैनर है। जैसे ही आप अपने भाई ऐप से स्कैन करोगे तो आपके फोन में गाइस आ जाएगा ऑप्शन, आप कलर वगैरह सारे उसी से चेंज जो है कर सकते हैं। रियर की भी आप एमबीएंट लाइट जो चेकआउट कर सकते हो भाई, कितनी प्यारी लग रही है। बाकी जैसे अभी भाई फोन का सीन होता है कंप्लीट, आपको मैं कलर चेंज करके भी दिखाऊंगा कितनी बढ़िया लगती है। एमबीएंट लाइट आप चेकआउट कर सकते हो भाई, काफी प्यारी इसके अंदर हमको जो देखने को मिल जाती है, काफी ब्राइट होने वाली है। बाकी नीचे पे देखोगे ये फ्लोरिंग जो है भाई ने अपना जो है ओरिजिनल करवाई है अपना सुजुकी के शोरूम से, तो भाई वो तो हमने नहीं करी। बाकी ये भी अवेलेबल होती है, आप चाहो तो वो भी लगवा सकते हो। अंदर से भी अगर आप देखते हो तो भाई काफ़ी बढ़िया लाइट की लुक आने वाली है। सीट कवर भाई से जो है काफ़ी प्रीमियम से लग रहा है, अगर आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से आप देखोगे भाई डैशबोर्ड की लुक, तो भाई कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड की जो इसके अंदर हमको लुक आएगी वो देखने को मिलेगी। बाकी सनरूफ भी इस वेरियंट के अंदर मिलती है, तो भाई ये हमारा ZX5 वाला वेरियंट भाई यहाँ पे आप देख सकते हो भाई फोन से कंट्रोल होने वाली हमारी एमबीएंट लाइट इसके अंदर भी इंस्टॉल्ड है। देखोगे भाई फोन से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो भाई, काफ़ी प्यारी लग रही है, प्रीमियम लग रही है अगर आप चेकआउट जो करते हो। नीचे वाली भाई ये हमारी ये ऐसी लाइट लगने वाली है, वो आप चेकआउट जो कर सकते हो। बाकी काफ़ी सारे मोड भी गाइस हमारे पास अवेलेबल है, वो आप देखोगे। रियर की भी आपको मैं एक बार दिखाता हूँ, तो भाई रियर की अगर आप देखते हो तो ये भी गाइस काफ़ी प्रीमियम सी लग रही है। देख सकते हो भाई कलर चेंज करने में जो गाड़ी के अंदर की इंटीरियर की लुक है भाई, वो कितनी ज़्यादा प्यारी इसके अंदर हमको देखने को मिल जाती है। एंड अगर आप डैशबोर्ड से देखोगे तो डैशबोर्ड भी इसका काफ़ी प्यारा लग रहा है, अगर आप चेकआउट करते हो भाई डैशबोर्ड पे देख सकते हो भाई काफ़ी ब्राइट होने वाली गाड़ी की हमारी लाइट। बाकी भाई अगर आप चाहते हो अपग्रेड करना लाइट को तो वो भी अवेलेबल है। 9 पीस वाली लाइट आती है इसके अंदर भाई, हमारे जहाँ की फुटवेल होते हैं वहाँ पे हमारी लाइटिंग लग जाती है। एंड इसके ऊपर भाई 14 पीस आती है, एंड 20 पीस आती है, तो वो गाइस कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है भाई बंदा क्या लगवाना चाहता है। आपका डैशबोर्ड की लुक चेक करके भाई लाइट इंस्टॉल होने के बाद कैसी लग रही है। बाकी आपको अगर मैं सीट कवर भी अगर जो है अच्छे तरीके से दिखा दूँ तो भाई ये देख लो सीट कवर हमारे भाई एकदम प्रीमियम टाइप फिनिशिंग में लगने हैं। अगर अंदर बैठ के आपको कंफर्ट की भाई बात बताओ तो कंफर्ट जो है काफ़ी इसके अंदर होने वाला है। बाकी भाई ये आप चेकआउट कर सकते हो भाई, गाड़ी के अंदर जो हमने काम करा है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। एंड भाई स्टीयरिंग रैप भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो वो भी करवा सकते हो। बेस वेरियंट के अंदर भाई सारे फीचर टॉप वेरियंट वाले हम लगा सकते हैं भाई, एक सनरूफ नहीं लगती, उसके अलावा हर चीज़ गई जो हमारे टॉप वेरियंट में आती है वो बेस वेरियंट के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। चाहे वो क्रूज कंट्रोल हो, चाहे वो लाइटिंग हो, चाहे वो ऑटोमेटिक ओवर व्यू हो, हर चीज़ गाइस हमारे पास जो है अवेलेबल हो जाती है। और गाइस अगर हम बात करें प्राइसिंग की तो भाई एम्बिएंट लाइटिंग का रेट जो है वो है अराउंड 7000, जिसके अंदर भी हमारी विद फिटिंग इंस्टॉल्ड है। तो एम्बिएंट लाइट भाई हमारी जो है 7000 के अराउंड आपको पड़ने वाली है, चाहे आप कोई भी कार में लगाओ। बाकी ये कार्डी की K3 वाली गाइस लाइट होने वाली है, जो कि हमने इसमें इंस्टॉल के ऊपर भाई देखोगे यहाँ पे 4000 से लेके स्टार्टिंग होती है भाई, एंड 10000 के आसपास तक सीट के ऊपर जाती है। बाकी ये सीट के ऊपर भाई अराउंड 6-7000 के इनको पड़ने वाले हैं, वो आप देखते हो। बाकी अगर हम बात करें भाई जो हमारे पास व्हील कैप्स आते हैं जो हम बेस वेरिएंट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, तो भाई वो हमको इसके अंदर पड़ेंगे 1500 के भाई। ये बोले तो ओरिजिनल है, ये भी मिल जाएंगे। अगर आप बेस वेरिएंट में चाहते हो व्हील कैप्स तो वो भी अराउंड 1500-2000 के अप्रॉक्स आपको जो है इसके अंदर व्हील कैप्स हमको देखने को मिल जाएंगे। आज की वीडियो को गाइस यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर टुडेज वीडियो, एंड होप करता हूं आपको हमारी आज की वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए आप हमसे और क्या डिमांड करते हैं, आपको कौन सी गाड़ी की वीडियो और देखनी है वो भी मुझे जो बता सकते हैं।